Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the electric field due to an electric dipole. Electric dipole की वजह से electric field का हमने expression कल निकाला था. आज भी जो है हमें electric field due to an electric dipole पता करना है. लेकिन first case हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल डायरेक्शन में, जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, जिस पर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है. हमें जो है इसके एक्सियल पे कल निकाला था हमने. एक्सियल मतलब कि ये लाइन जो ए बी ज्वाइन कर रहा है उसको इधर प्रोड्यूस करें या इस साइड में प्रोड्यूस करें, उन्हीं लाइन पर जो है पॉइंट पर हमने कल पता किया था. आज जो है हमें सेकेंड पोर्शन इसका करना है. ये मेन टॉपिक है इस, ऑलरेडी आपने इसका नाम लिखा हुआ है. फर्स्ट पार्ट हमने कल बता दिया था एक्सियल लाइन पर, और सेकेंड पार्ट है आपका अलोंग इक्विटोरियल एक्सिस. अब पहले जानते हैं कि इक्विटोरियल एक्सिस होता क्या है. आपको पता है इक्वेटर, इक्वेटर जो है अर्थ को डिवाइड करता है ना, उसी से है ये. ए बी आपका डाइपोल है पूरा, जिसका लेंथ ए और ए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए, यानी टोटल हो जाएगा 2a. इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अगर इस हमको ओ नाम दें तो ये ओ जो है इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उसी को हम इक्विटोरियल एक्सिस कहते हैं. यानी इक्विटोरियल एक्सिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ डाइपोल. यानी डाइपोल के एक्सिस के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको हम कहते हैं इक्विटोरियल लाइन. अब इस इक्विटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है हमारा P. इसी P पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है. इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x जो है गिवन है. सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो x गिवन है. डिस्टेंस ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है. अब क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है P पॉइंट पर. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे P पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से और फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां से. तो इसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये भी और इधर हमारा ये डिस्टेंस. तो देखिए नीचे हमारा बेस A है और यहां पर X है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हाइपोटेनियस होगा, हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इधर भी हमारा जो डिस्टेंस होगा वही आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इधर से ये डिस्टेंस देखिए, ये एक्स है और ये बेस ए है, तो ये हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इससे हमने डिस्टेंस पता कर लिया, इसकी ज़रूरत है. अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. पहला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम नाम देते हैं ई वन, और ये होता है फार्मूला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर. क्यू की वैल्यू तो यहाँ पर क्यू ही है, और आर की जगह पर यानी ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बस बचेगा. ध्यान रखिएगा बेस में हमने क्या किया है, पूरे ए से लेके पी तक का डिस्टेंस ये रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर बेस में डिस्टेंस स्क्वायर होता है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बस रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे. अब बता दीजिए इसका डायरेक्शन क्या होगा. आपको पता ही है ये निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन का जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स होगा. ये हमारा ई वन का डायरेक्शन है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा. निगेटिव चार्ज है ना, तो P पॉइंट पर अगर जो टेस्ट चार्ज रखेंगे ना पॉजिटिव, तो उसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ. ये E1 का डायरेक्शन हो गया टुवार्ड्स PA, टुवार्ड्स PA. ये हमने जो है यहाँ पर डायरेक्शन लिख लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, अब जो है हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज.
प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा E2 इक्वल्स टू 1/4πε0, चार्ज हमारा क्यू ही है और डिस्टेंस वहाँ भी √a² + x² है बी से लेकर के पी पर, ये डिस्टेंस तो ये भी रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा a² + x². इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी इसी लाइन को आगे हम बढ़ाएं, ये हो गया E2 का डायरेक्शन, E1 और E2 का डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पर लिख रहे हैं अलोंग बीपी के अलोंग जो है ये होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स मिल गए E1 और E2। एक बात ध्यान से देखिए, 1/4πε0Q/a² + x², यहाँ भी है 1/4πε0Q/a² + x², दोनों जगह मैग्नीट्यूड अगर हम देखें E1 और E2 का, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल, विच इज इक्वल्स टू E, मैं रख दे रहा हूँ। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो E होगा, ये हमने जानबूझ करके यहाँ पे रख लिया, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है यहाँ पर। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा के किनारे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं √a² + x². अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं E1 और E2, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट पता कर लेंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा E1 और E2 का। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्सिस AB है इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन एक करेंगे, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम पॉइंट P। पी से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया AB के, और ये जो एंगल है हमारे इनको हमने थीटा कंसीडर कर लिया यहां भी और यहां पर भी, ठीक है, एंड एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PBA इक्वल्स टू थीटा, ये हमने सपोज कर लिया, ये जो एंगल है यहाँ भी थीटा है। तो देखिए ये अगर लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल थीटा होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा। अगर E2 को हम रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में इधर की तरफ तो E2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा E, अब E2 को मैं E लिख रहा हूँ चूंकि दोनों वैक्टर सेम हो चुके हैं ना, ऊपर वाला भी E है नीचे वाला भी E है, कैसे, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या है सेम है, डायरेक्शन बस अलग अलग है। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी फिगर में रिप्रेजेंट किया ही है, E1 का डायरेक्शन इधर था और E2 का डायरेक्शन इधर था। अब E का अगर इधर की तरफ कंपोनेंट लें तो हो जाएगा E cos θ, इस नीचे वाले का भी कंपोनेंट इस साइड में लोगे तो ये एंगल हमारा थीटा होने की वजह से ये भी कंपोनेंट क्या आएगा E cos θ। अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा नीचे वाले का वो नीचे की तरफ होगा और ये हो जाएगा हमारा E sin θ, ठीक है, और इस ऊपर वाले का जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ वो होगा E sin θ। ये E sin θ और ये E sin θ कैंसल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट और इक्वल है, एक E sin θ नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, दोनों इक्वल है ना, अपोजिट होने की वजह से कैंसल हो जाएंगे, यानी जो हमारा दो वेक्टर E1 E2 था ये दोनों सेम मिले, इनका हमने रिजोल्यूशन इधर किया तो E cos θ मिला, नीचे वाले का भी इधर E cos θ मिला, इस नीचे वाले का नीचे की तरफ E sin θ मिला और ऊपर वाले का ऊपर E sin θ मिला, जो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए,
यानी इन दोनों ई को हमने चार कंपोनेंट में ब्रेक किया, ऊपर नीचे और दो इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और दो कंपोनेंट ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा बच गए हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। अभी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, चूंकि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे हमारे ऊपर एक ई और इधर, इनको हमने तोड़ दिया चार इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, ई साइन थीटा और एक नीचे ई साइन थीटा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो दो कंपोनेंट कैंसिल हो गए और बाकी के जो दो कंपोनेंट मिले वो दोनों एक ही दिशा में है इधर की तरफ। तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो इसलिए हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। आपको पता है जब दो वेक्टर्स क्या हो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये हमारा, यहां से हो जाएगा 2e cos थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e इक्वल्स टू हो जाएगा, e का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पहले हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO ये देख लेते हैं, P यहां से A और ये O, ये बीच में ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर देखें हम cos थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें परपेंडिकुलर अपान हाइपरटेनियस, सॉरी बेस अपान हाइपरटेनियस होता है cos थीटा इक्वल्स टू, यानी स्मॉल a बेस है हमारा और हाइपरटेनियस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपरटेनियस यही है जिसका डिस्टेंस AP है, ये रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये वैल्यू हम इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं नीचे वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम cos थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं और E का वैल्यू यहाँ से, E हमने यही माना था ना E1 और E2 के वैल्यू को, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हमारा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 2 और E का वैल्यू है 1/4πε0 q/a² + x² इंटू cos थीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा a/a² + x² 3/2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1/4πε0 q(2a)/। इन दोनों को देखिए, दोनों का बेस सेम है, इसके पावर में 1 है, उसके पावर में जो है 1/2 होगा, सॉरी रूट का मतलब 1/2, यहाँ पर रूट था ना, रूट को हमने 1/2 लिख रखा है, तो 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमें a² + x² 3/2। q(2a) होता है हमारा p, ये हो जाएगा 1/4πε0 p/a² + x² 3/2। ये हमारा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा हो गया। अब जरा देखें, अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें यहाँ पर, तो -q2p होता है, -q2+q, ये p का डायरेक्शन होता है इधर की तरफ, और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड e cos थीटा जिसको हमने ऐड किया था वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है, इधर की तरफ है, यानी डाइपोल मोमेंट हमारा इधर है तो ये डायरेक्शन हमें इस साइड में मिल रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डायरेक्शन है एंड इट्स डायरेक्शन इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। कल मैंने बताया था आपको कि जब हम एक्सियल डायरेक्शन में निकालते हैं तो डायरेक्शन हमारा जो होता है वो डाइपोल के अलोंग होता है, जिधर डाइपोल मोमेंट होगा उधर ही होता है हमारा एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता है वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए,
डायपोल मोमेंट हमारा इधर की तरफ है तो हमारा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इसके पैरेलल है ये लाइन, इसलिए यहाँ पर एंटी पैरेलल वर्ड यूज़ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। अब अगर हम शॉर्ट डायपोल के लिए पता करें, जैसा कि हमने जो है पता किया था शॉर्ट डायपोल के लिए, तो यहाँ लिखते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए आपको पता ही है ए का जो वैल्यू होता है वो एक्स के कंपेरेटिवली बहुत छोटा होगा, ए इज लेस 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 देन एक्स, हिंस ए इज नेग्लेक्टेड, ए इज नेग्लेक्टेड, ए को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करेंगे इस इक्वेशन से तो हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी, डिनोमिनेटर में क्या है ए को नेग्लेक्ट कर देंगे हम, तो ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, शॉर्ट डायपोल के इक्विटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा याद करिए आप, कल हमने जो इसको हम इक्विटोरियल लिखते हैं ई इक्विटोरियल, और कल हमने एक्सियल निकाला था ई एक्सियल, उसका जो वैल्यू आया था 1/4πε02π/x³, ये हमारा एक्सियल का कल निकाला गया था। तो ध्यान से अगर देखिए तो एक्सियल में 2 आया हुआ है, बाकी सारे चीज़ें सेम है, 1/4πε0, 1/4πε0, π/x³ है, यहाँ 2π/x³ है। तो इस बेसिस पर अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें हमको पता चलेगा कि जो इक्विटेरियल एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सियल जो है वो 2 है इक्विटोरियल के, ट्वाइस है इक्विटोरियल के। ठीक है, एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विटोरियल लाइन के क्या है, ट्वाइस है। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक ना, और रिलेशन। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है प्रूव दैट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ द इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप एक्सियल का निकालोगे इक्विटोरियल का निकालोगे और दोनों में दिखा दोगे डिवाइड करके, दोनों को अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो ये रिलेशन हमको मिल जाएगा कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ द इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स ओके, हेंस दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग इक्विटोरियल लाइन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।